मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन करते हैं, जिसके बारे में बहुत पहले से बात करते आ रहा हूं, और अभी हजारों फार्मर्स हैं वो मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं। लेकिन आज का हमारा वीडियो है कि आप मुर्गी के साथ मछली पालन करते हैं तो कौन सी वो मछलियां हैं जिसको आप मुर्गी के साथ पालन कर सकते हो, क्योंकि मछली का चयन है वो आपके ओवरऑल प्रोडक्शन ओवरऑल प्रॉफिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कि कौन सी मछलियां हैं वो जो मुर्गी का जो पॉटी होता है वेस्टेज होता है उसमें अच्छे से वो पल सकती हैं, या फिर कौन सी मछलियां हैं जो वाटर पैरामीटर्स है डीओ हो अमोनिया हो चाहे पीएच हो उसको अच्छे से टॉलरेट कर पाए उसको सहन कर पाए, उसी हिसाब से ही हम लोग मछली का चयन करते हैं। वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 5 बड़े बड़े फार्मर लोगों से बात किया है, उसके अलावा मैंने बहुत सारे इसके बारे में पढ़ाई भी करी कि कौन कौन सी वो मछलियां हैं जिसको मैं आपको बता पाऊं। तो मैंने ऐसे 5 इंपॉर्टेंट मछलियां हैं वो आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन है वो पॉलीकल्चर सिस्टम के तहत ही पालन किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक ही मछली का पालन करते हो तो वो आपकी मछली के ग्रोथ के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि मुर्गी का जो पॉटी है दोस्तों उससे प्लैंकटन का डेवलपमेंट होता है, तो मोस्टली जो प्लैंकटन वगैरह होता है जो प्लैंकटन अच्छे से खाती है उन्हीं मछलियों को हम लोग इसमें पालन करते हैं। बहुत सारे फार्मर भाई ये भी पूछते हैं कि सर कितने बड़े तालाब की जरूरत पड़ती है अगर हम लोग मुर्गी के साथ मछली पालन करना चाहते हैं। तो मिनिमम आपके तालाब का जो एरिया होता है दोस्तों वो आधा से 1.5 बीघा जो बहुत कम क्षेत्र है उसमें भी हम लोग मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन कर सकते हो। इसके लिए हम लोग जो तालाब की गहराई है दोस्तों उसको आपको मैक्सिमम 3 मीटर तक अपने पानी के लेवल को आपको मेंटेन करना है। मैं आपको नॉर्मल तालाब में बोलता हूं कि 1.5 से 2 मीटर तक ही आप पानी को मेंटेन करिए, लेकिन यहां पर डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है जो मछलियां जो मुर्गियां जो पॉटी करती हैं तो उससे ऑर्गेनिक लोड है वो आपके तालाब में बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे अमोनिया गैस बहुत आयत से फॉर्म होता है। इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा गहरा तालाब का उपयोग करते हैं आपके इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में, ताकि मछली को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिले और पानी है उसमें ज्यादा वैल्यू में रहे, ताकि पानी जल्दी मत खराब हो आपके तालाब का। पहले से पहले हम लोग तालाब को थोड़ा सा तैयार करते हैं ताकि मछली को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहले पानी भरने के पश्चात हमारा काम रहता है इसमें चूना डालने का। तो प्रति एकड़ आप 80 से 100 किलो चूना है आपके पीएच के हिसाब से आप अपने तालाब में डालिए। चूना डालने के पश्चात हमारा दूसरा काम होता है आपके मछली को स्टॉक करना। मछली को एक प्रॉपर संख्या में प्रॉपर परसेंटेज में ही हम लोग तालाब में स्टॉक करते हैं। किसान भाइयों अगर बात करें मछलियों की तो मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट मछलियां बताता हूं और उसका प्रॉपर परसेंटेज में ही आपको स्टॉक करना है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इसके लिए मैंने तैयार किया हुआ है। अगर बात करें दोस्तों सरफेस फीडर की जो तालाब के ऊपर में रहती है उसमें आपकी सिल्वर कार और जो कतला मछली होता है उसको आपको सिल्वर कार्प है उसको 35% की हिस्सेदारी में डालना है और आपकी कतला मछली को 10% के हिसाब से ही आप अपने तालाब में डालिए। ये तो हुई सरफेस फीडर की। अगर बात करें मिडिल फीडर की जो मिडिल में रहती है उन मछली में आता है रोहू, उसको आपको 10% डालना है और ग्रास कार्प इसको आपको 5% डालना है और एक थाई सारपुट्टी करके भी मछली आती है, इस थाई सारपुट्टी को आपको 20% तक आप इसको डाल सकते हो। अगर बात करें आपके बॉटम फीडर की जो नीचे में रहती है ना नीचे में रहती है उसमें आपकी मिरर कार्प कॉमन कार्प या फिर आप मृगल मछली इन तीनों में से कोई एक मछली को आपको 20% के हिसाब से अपने तालाब में छोड़ना है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका 100% होता है ना, क्योंकि परसेंटेज में रखना है वो बहुत जरूरी होता है ताकि आपके तालाब के क्षेत्रफल का अच्छे से उपयोग हो पाए और आपकी मछलियों को भी अच्छे से स्पेस मिले और वो जो मुर्गी का जो पॉटी होता है या फिर प्लैंकटन होता है उसको खा करके 0 रुपये के आपके फेड कॉस्ट में भी ये मछलियां हैं वो तैयार हो जाती है। इसके अलावा आपको अपने तालाब की जो साफ सफाई है उस पर भी ध्यान देना है, तो आपको कम से कम समय समय पर आप उसको जो डिसइंफेक्टेंट आता है चाहे K-4 हो गया चाहे आपकी फॉर्मेलिन हो गया उसको भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन 15 दिनों में एक बार तो आपको अपने वाटर पैरामीटर्स को जरूर चेक करना है। अमोनिया ज्यादा हो तो चाहे वाटर एक्सचेंज कर लीजिए, चाहे आप उसमें फिटकरी का उपयोग कर लीजिए, बहुत सारे केमिकल आते हैं उसको उपयोग आप समय समय पर जरूर करिए। तो किसान भाई जी रहा आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ